एक वक्त का किस्सा है, लाल किला नामी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसका बाप चाहता था कि उसका बेटा उस जमीन पर चावल की फसल उगाए, लेकिन उसके बेटे की चाहत कुछ और ही थी। इसलिए उसके बेटे ने तंदूर पर रोटियां लगाने वाला काम ही शुरू कर दिया था। वो चिलचिलाती धूप में तंदूर पर रोटियां लगाता और गर्मी की वजह से थक कर सांस लेने के लिए दरख्त के साये में बैठ जाता। अरे भाई क्या हुआ, अभी तो 10 रोटियां ही हुई है, अभी से थक गए, चलो बाकी की 15 रोटियां भी लगाओ। भाई साहब थोड़ा सबर करो, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा पसीना खुश्क कर लूं, फिर रोटियां लगाता हूँ। अरे तो तेरे बस का काम नहीं था तो क्यों किया, बंद कर दे ये काम, ऐसे ही मेरा टाइम जाया कर रहा है। चलो चलो उठो, बाकी की रोटियां लगाओ, मुझे देर हो रही है। बिट्टू बेचारा आकर दोबारा रोटियां लगाना शुरू कर देता है और वो ग्राहक रोटियां लेकर चला जाता है। ये मैं किस काम में फंस गया, इससे तो बेहतर था कि मैं अबू का कहा मान कर चावल की फसल उगा लेता, कम से कम इस गर्मी में आग पर खड़ा होने से तो बच जाता। बिट्टू अपना तंदूर घसीट कर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आ जाता है। क्या हुआ बेटा, आज तो इतनी जल्दी वापस आ गया, सब खैर तो है? अबू जान कुछ खैर नहीं है, गर्मी में आग पर खड़ा होकर रोटियां पकाना बहुत मुश्किल काम है, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं अब अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करके चावल की फसल उगाऊंगा। पर बेटा अब चावलों का बीज कहाँ से आएगा, जो पैसे थे उनका तूने ये तंदूर ले लिया, अब इस तंदूर को बेच, उनसे जो पैसे आए उनसे चावल का बीज खरीद। ठीक है अबू जान, मैं ये तंदूर कल ही बेचकर चावलों का बीज ले आता हूँ और उससे अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करता हूँ। फिर जब अगला दिन होता है तो बिट्टू तंदूर लेकर बाजार में आ जाता है। ओ बिट्टू खैर तो है, ये तंदूर लेकर कहाँ जा रहा है? मीठे भाई मैं ये तंदूर बाजार बेचने जा रहा हूँ, अब मैं रोटियां नहीं लगा सकता तंदूर पर, इसलिए इसे बेचकर चावल का बीज खरीदूंगा। बिट्टू चावल का बीज खरीद कर क्या करेगा? मीठे भाई हमारी जो जमीन पड़ी है उस पर खेती बाड़ी करूंगा और बहुत अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। बिट्टू की बात सुनकर मीठा सोचने लगता है, यार ये तो बहुत अच्छा मौका आया है कमाने का, मैं इससे तंदूर का सौदा बनाता हूँ। अच्छा मीठे भाई मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बिट्टू मेरे प्यारे भाई, क्या तू तंदूर बेचने के लिए खज्जल ख्वार हो रहा है? मैं हूँ ना, मैं तेरा हमसाया हूँ, इस तंदूर पे पहला हक मेरा है, तुझे चावलों की बोरी चाहिए ना, तू तंदूर मुझे दे जा, कल आकर मेरे से चावल की बोरी ले जाएं। अरे मीठे भाई इससे अच्छी बड़ा बात क्या हो सकती है, मुझे मंजूर है, मैं कल आकर आपसे चावल के बीज की बोरी ले जाऊंगा। बिट्टू अपना तंदूर वहीं छोड़कर घर आ जाता है और सबको बताता है तो उन्हें सुनकर बहुत खुशी होती है। बिट्टू ये तो अच्छी बात है जो मीठे भाई ने आपसे तंदूर खरीद लिया, देखा ना हमसाया ही हमसाये के काम आता है। बस बेटा तू कल पहली फुर्सत में उससे बीज लाकर खेती बाड़ी शुरू कर। जी अबू जान मैं कल से ही अपना रोजी धंधा शुरू कर देता हूँ। वहाँ मीठा वो तंदूर 30,000 रुपए का बेच देता है और पैसे लेकर आरती के पास पहुँच जाता है। भाई साहब चावल के बीज की बोरी कितने की है? चावलों के बीज की बोरी 30,000 रुपए की है। हैं? ये तो बहुत महंगी है, इसको छोड़ो, पट्ठों के बीज की बोरी कितने की दे रहे हो? क्या तुम्हें जानवरों को पट्ठे खिलाने के लिए बीज चाहिए? ओ हेलो, जितना सवाल पूछा है उतना जवाब दे, ज्यादा हेडमास्टर बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा गुस्सा न करो, पट्ठों के बीज की बोरी 3,000 रुपए की है। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है, अरे वाह ये होता है प्रॉफिट, चावल के बीज की बोरी 30,000 रुपए की है और इसकी बोरी 3,000 रुपए की है, 27,000 की बचत, और उस मोटे को क्या पता लगेगा कि ये चावल का बीज है या पट्ठों का बीज। क्या सोच रहे हो, चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ हाँ ठीक है, एक बोरी पट्ठों के बीज की दे दो। मीठा उसे 3,000 रुपए देकर वो बोरी लेकर घर आ जाता है। ओ मीठे ये थोड़ा कौन सा काम धंधा शुरू कर दिया, ये कौन सी बोरी उठा के ले के आ रहा है? मीठा उसे सारी बातें बताता है तो वो ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अरे मीठे बड़ा बेवकूफ बढ़ाया तूने उसे कसम से, जब फसल तैयार हो बेगी और चावल की जगह जानवरों के खाने वाले पट्टे तैयार
करो बेगा। हाँ बेगम, बड़ा मजा आएगा कसम से उसे रोता देखने का। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा वो बोरी लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है और बिट्टू के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। आओ बिट्टू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये रही तुम्हारी चावल के बीज की बोरी, खेती बाड़ी शुरू करो और जब चावल तैयार हो जाए तो मुझे मत भूलना। अरे मीठे भाई, मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ, इस मुश्किल वक्त में तो आप ही मेरे काम आए हो। मैं पूरे चावल की बोरी का कट्टू आपके घर पहुँचाऊँगा। ठीक है अब ये बोरी ले जाओ। बिट्टू वो बोरी लेकर चला जाता है और अगले दिन से ही वहाँ बीज डालना शुरू कर देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और जब फसल तैयार होती है तो बिट्टू देखकर हैरान रह जाता है कि फसल तो जानवर के खाने वाले पट्ठों की होती है। बेटा, ये तो मीठे ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, उसने चावलों के बीज की जगह पट्ठों का बीज दे दिया है। अबू जान, मुझे उम्मीद नहीं थी मीठे भाई हमारे साथ इस तरह धोखा करेंगे। मैं अभी उनके घर जाता हूँ, उनसे पैसे लेकर आता हूँ। बिट्टू गुस्से में घर पहुँचता है और उससे अपने पैसे वापस मांगने की दुहाई करने लग जाता है, मगर मीठा तो उसकी बेबसी पर बहुत खुश हो रहा होता है। ओ मोटे, ज्यादा मेरे सामने रोने वाला मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे वो मैं खा गया हूँ, अब तो मेरे पास एक रुपया भी नहीं है। चल शाबाश मेरा वीर, यहाँ से निकल और वो पट्टे जानवरों को खिला ताकि तुझे उनकी दुआ लगे। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और जैसे ही अपने खेत में आता है देखता है कि वहाँ एक परों वाली गाय चारा खा रही है। बिट्टू उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये तो बहुत अजीब गाय है, मैंने ऐसी गाय अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है, जाने ये गाय किस दुनिया से आई होगी। वो गाय जैसे ही बिट्टू को देखती है तो उड़ने की कोशिश करती है। बिट्टू आगे बढ़ता है और उसकी दुम पकड़ लेता है। वो गाय उड़ती हुई आसमान की तरफ चली जाती है और बिट्टू को लेकर एक नई दुनिया में आ जाती है, जहाँ एक बुजुर्ग बैठा होता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय की दुम पकड़ के ऊपर आने की? बाबा जी, ये गाय मेरे खेत में फसल खा रही थी और मुझे ये उड़ने वाली गाय देखने में बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने इसकी दुम पकड़ ली के देखूं तो सही ये गाय कहाँ से आई है। शुक्र करो तुम अकेले थे इसलिए बच गए, इसकी दुम बहुत नाजुक है, अगर दो बंदे होते तो इसकी दुम टूट जाती और तुम आसमान से नीचे गिरते और फिर तुम्हारी रूह आसमान पर आती। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, अब मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? बिट्टू उसे अपने साथ हुए धोखे के बारे में बता देता है। उस बुजुर्ग को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बेटा तू परेशान मत हो, तू नीचे जा, तुझे चावलों की फसल चाहिए थी ना, तू जा, अब तेरी सारी फसल चावलों की होगी, मगर मेरी गाय को चावल खाने से कभी मत रोकी। अरे नहीं बाबा जी, मैं क्यों रोकूंगा इस गाय को चावल की फसल खाने से, बस मुझे जल्दी से नीचे पहुंचा दो। ठीक है, मेरी गाय की दुम पकड़ो, नीचे चला जा। फिर बिट्टू उस गाय की दुम पकड़कर वापस नीचे आ जाता है तो देखता है कि सारी फसल चावलों की फसल में तब्दील हो गई होती है। बिट्टू बहुत खुश होता है और वो गाय जी भर के चावल खाती है। इतने में बिट्टू और उसके घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं, वो भी ये सब माजरा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बिट्टू, ये क्या मौजजा हो गया, ये पट्टों की फसल चावलों की फसल में कैसे बदल गई? अबू जान, आप ये गाय देख रहे हो, मैं इसकी दुम पकड़कर आसमान पर गया था और वहाँ एक बाबा जी थे, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और ये फसल चावल में बदल गई। अबू जान वो कह रहे थे जितना मर्जी फसल काटो ये चावल
चावल खत्म नहीं होगा। अरे बेटा ये तो कमाल हो गया, अब तो हमारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर अब्बू जान ख्याल रहे इस बात का किसी को भी पता ना लगे। ये सुनते ही बिट्टू की बीवी सोचने लगती है, कैसे पता ना लगे, मीठे ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, अब मैं उन्हें जाकर खूब जलाऊंगी कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। बिट्टू की बीवी मीठे के घर आती है। क्या शीला तू क्या मुँह उठा क्या रही है, एक बार मना कर दिया न कोई तंदूर के पैसे नहीं है हमारे पास, अगर अब दोबारा आई तो धक्के मार मार के निकाल दे दूंगी। ओ हेलो मैडम, मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई बल्कि बताने आई हूँ कि हम भी बहुत अमीर हो गए हैं, हमारी पट्टों वाली फसल चावलों वाली फसल में बदल गई है। चावलों वाली फसल, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, और जा मीठे से पागल खाने में जमा करवा क्या जा। पागल खाने में मैं नहीं बल्कि जब तुम फसल देख कर आओगे तो तुम पागल हो जाओगे, अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो, वहाँ एक उड़ने वाली गाय भी है जिसकी तुम पकड़ कर बिट्टू ऊपर गए थे और वहाँ बाबा जी की दुआ से ये फसल चावलों में बदल गई। बेगम तो रुक मैं देख कर आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ये सब तो सच है। वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है और वापस घर आता है। अरे बेगम शीला सच कह रही है, फसल तो वाकई चावलों में तब्दील हो गई है और वहाँ उड़ने वाली गाय भी है। बस आ गए यकीन, अब तुम लोग जलो सड़ो मरो खपो रो पिटो, मैं तो जा रही हूँ। बिट्टू की बीवी चली जाती है। अरे बेगम कितनी बेवकूफ औरत है ये शीला, सारा राज हमें बता गई। बिट्टू तो बेवकूफ है जो चावलों की फसल लेकर आया है, हम वहाँ से हीरो की फसल लेकर आएंगे। अरे मिट्टी क्या कमाल का काम करता है तेरा दिमाग, हम शाम में जाते और उसकी दुम पकड़ के आसमान से हीरो की फसल लेके आते हैं। फिर शाम होते ही वो दोनों घर से निकलते हैं और उस खेत में आ जाते हैं जहाँ वो गाय चावल खा रही होती है। देख मिट्टी कैसे चपड़ चपड़ चावल खा रही है, अरे चल उड़ने की तैयारी कर, हम दोनों ने आसमान पर जाने। गाय उन्हें देख कर उड़ने की कोशिश करती है तो मीठा उसकी दुम पकड़ लेता है और नसीबो मीठे की टांग पकड़ लेती है और वो आसमान की तरफ चले जाते हैं। मीठे को ये नहीं पता होता कि दो बंदे उसकी दुम पकड़ेंगे तो दुम टूट जाएगी। फिर अचानक उस गाय की दुम टूट जाती है और वो दोनों आसमान से नीचे गिरते हैं। अबू जान ये कैसी आवाज आई है अपने खेत से? हाँ बेटा आवाज तो मुझे भी आई है, चल चल के देखते हैं। वो वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि मीठा और नसीबो मर चुके होते हैं और गाय की दुम उसके हाथ में होती है। बिट्टू फौरन सारी बात समझ जाता है। अच्छा तो इन दोनों ने भी ऊपर जाने की कोशिश की थी, इन्हें क्या पता था कि इस गाय की दुम कमजोर है, दो बंदों से टूट जाएगी। अच्छा हुआ बेटा उनके साथ, उनकी यही सजा है।